मजा आ गया दौड़ के, मेरे पाँव की 12 बज चुकी है आज। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई व्लॉगिंग चैनल। दिस इज योर फ्रेंड गणेश श्रेष्ठा स्टार्टिंग अ न्यू व्लॉग फ्रॉम कोलकाता। यस, और माफ करना ये हार्ट रेट नहीं रख पा रहा हूँ मैं अभी, बिकॉज़ आई एम रनिंग एंड व्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरह कर रहा हूँ क्योंकि मैं भूल गया था कि मुझे व्लॉग भी करना है। निकला था, सोचा व्लॉग बनाऊंगा, पर रास्ता देखने में मैं भूल गया कि मुझे व्लॉग भी करना है। तो अब याद आया तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज कोई नए अंदाज में व्लॉग का स्टार्ट किया जाए। तो आई गेस आप लोग भी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे अपने आप को फिट करने के लिए, रखने के लिए। तो विद दैट नोट मिलता हूँ मैं कुछ ही देर में, थोड़ा रनिंग कर लेता हूँ। पीपल लिविंग इन बज रोड विल नो द पेन कि कैसे हालत हूँ मैं रनिंग करके। अभी तारातला पुलिस स्टेशन क्रॉस कर रहा हूँ एंड इट्स हेल ऑफ अ रोड। लाइक इस रोड में रनिंग करना मतलब आपको मेडल दे देना चाहिए। मैं तो सोचा एक पल के लिए छोड़ दूँ, पर शुरुआत हो चुकी थी तो रास्ता देखने में बिजी था तो व्लॉग नहीं कर पाया। तो अभी ऑलमोस्ट मैंने 1-2 किलोमीटर रन कर लिया ऑलरेडी आई गेस, और 7-8 किलोमीटर रिमेनिंग। बस तो तारातला पहुँच गया हूँ मैं अभी। हाँ, क्या बोलूँ, कैसे कैसे दौड़ रहा हूँ ये रोड पे। अभी और जाना है मुझे क्योंकि मैंने डिसाइड किया आज लेक तक दौड़ने का। लेट्स सी, सो को मारो गोली। आई हैव ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड माई हाफ वे, ऑलमोस्ट क्या आई गेस कर ही लिया होगा मैंने हाफ वे कम्प्लीट। सो दिस इज़ निवालीपुर पेट्रोल पम्प, और सच बताऊँ दोस्तों आई एम डन, बट मेरे अंदर का जो कीड़ा है मेरे को पुश कर रहा है यार, इतना भी नहीं कर सकता साले, कर ले थोड़ा। बस उसी आशा में खींच रहा हूँ, देखो कहाँ तक जा पाता हूँ। रोड का नाम तो मुझे पता नहीं ढंग से, बट आई नो दिस रूट। दिस ये ऑपोजिट टू सुरुचि सॉन्गो है, लाइक वन ऑफ द प्रेस्टिजियस दुर्गा पूजा पैंडल यहाँ पर होता है। तो हाँ, इसी के ऑपोजिट में रूट है, वहीं से जा रहा हूँ। मैप में देखा इट इज़ ऑलमोस्ट 2.2 किलोमीटर लेफ्ट, और ये मेरे साइड में बिल्डिंग देख रहे हो आप। मैं जब अपने रोइंग टाइम में जब सुबह सुबह जाता था ट्रेन से, आई यूज़ टू सी दिस बिल्डिंग गेटिंग कंस्ट्रक्टेड। आई गेस अभी जाके ये कम्प्लीट हुआ है। आई थिंक पीपल आर स्टेइंग ओवर हियर इन दिस प्रॉपर्टी, बट इट लुक्स डैम गुड। यस, चलो 2 किलोमीटर और होगा, कंप्लीट कर लेता हूँ मैं। सो आई हैव रीच्ड टौलीगंज रेलवे क्रॉसिंग और रविंद्र सरोवर, सो बोथ सेम है। ब्रिज की एक खास बात है कि ऊपर से रेल क्रॉस करती है, नीचे रोड में से ट्राम एंड नीचे से मेट्रो। सो फॉर दिस रीजन दिस प्लेस इज स्पेशल। सो दिस इज रविंद्र सरोवर ब्रो, आई हैव रीच्ड। टेक्निकली आई हैव कवर्ड द डिस्टेंस, बट एज यू नो मेरे अंदर का कीड़ा बोल रहा है फिनिश लेक क्लब में ही करना, रन टिल लेक क्लब। चलो यहाँ से और पास ही है उतना तो आई कैन। चलो रोड पे फोकस करता हूँ, दिस इज सरोवर। यस, ये रहा लेक एरिया। तो गया था क्लब के पास पर ये गेट बंद है, पोपट हो गया मेरा। चलो फिर से अब थोड़ा 500 मीटर और दौड़ के जाना पड़ेगा। तो दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट माय क्लब, लेक क्लब। आई यूज़ टू रो ओवर हियर, पहुंच गया हूँ मैं जैसे तैसे। वो थोड़ा बीच में कन्फ्यूजन हो गया था, आज इस जगह में आया तो वो कन्फ्यूजन था, मुझे पता नहीं था गेट लॉक रहता है, तो दूसरी जगह से घूम फिर के आया। यस, कम्प्लीटेड माई रन फॉर टुडे, डन। रनिंग करके हो गया मेरा दोस्तों, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया हूँ मैं आज। सोचा नहीं था इतना ज़्यादा पड़ जाएगा ये 8 किलोमीटर दौड़ना, बट ऑल थैंक्स टू द रोड। लाइक ऑल आई वाज डूइंग ट्रेल रनिंग, इसको रोड रनिंग कोई बोल भी नहीं सकता, इतनी अच्छी रोड माशाल्लाह, क्या बोले, मज़ा आ गया दौड़ के। मेरे पाँव की 12 बज चुकी है आज, आज हालत ख़राब होने वाला पाँव का। लुक एट दिस ब्यूटी मैन, मर्सिडीज़। इंसान सुबह वॉक करने के लिए ऐसी गाड़ियों में आते हैं यहाँ पर। प्लानिंग टू गो इनसाइड माय क्लब लाइक ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट इट्स बिन मोर देन 3 इयर्स और 4 इयर्स हो गया होगा मैं क्लब छोड़ा हुआ। लेट्स सी कोई मुझे पहचान पाता है कि नहीं। पहचान तो लेंगे क्योंकि मैंने क्लब का ये जैकेट पहना हुआ है, बट चेहरा आई गेस आई थिंक। लेट्स सी क्या होता है, रिएक्शन कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। प्यास बहुत लगी है, वो भी मेन रीज़न है क्लब में जाने का, पानी पीना है मुझे। मिलता हूँ अंदर, अंदर का विजुअल दिखाता हूँ आपको। चलिए, दिस वॉज वन ऑफ द स्टाफ ऑफ लेक क्लब। गुड मॉर्निंग। ये है क्लब का मेन एंट्री। ये है गर्ल्स लॉकर रूम, चेंजिंग रूम, वो बॉयज लॉकर रूम, चेंजिंग रूम। ये रही बोट वगैरह। सी, मैंने पिछले वाले व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था दैट मशीन अर्गोमीटर, दैट लेडी इज डूइंग दैट। आलोक दा, सब पहचान रहे मुझे, इज आलोक दा। वो रही बोट, सब रोइंग करके आ रहे हैं एट द लेक। इस जगह ने हमें बहुत बचाया क्लब में। ये मेरे पुराने दोस्त प्रेरणा एंड राजेश, तो ये अनुष्का। ये है अर्गोमीटर रूम, जहाँ पर अभी अर्गोमीटर है ही नहीं। दिस इज पंटिंग एरिया। ये बोट्स, इस बोट को शायद ये मुझसे भी उम्र में बड़ा होगा, इसको टप पेयर्स कहते हैं, कब से पड़ा हुआ है। इसको स्कल बोलते हैं, बट हाँ स्कल ही है। दिस इज फोर्स बोट, इसको फोर्स बोलते हैं, इसमें 4 जन बैठते हैं, वो सिंगल्स सिंगल्स बोलते हैं इन सबको। ये सारे ओर्स हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है बहुत दिनों बाद यहाँ आके, फीलिंग नॉस्टैल्जिक। रोने का मन करे पर रो नहीं सकता, सबको दिखे धंसेगा। बस पुरानी यादें ताज़ा हो रही है, यहाँ पर कितने साल गुजार दिए हमने इस पानी में, क्या बताऊँ, अच्छा लग रहा है। चलिए इसको मिस करूँगा, यहाँ से निकलने का टाइम हो गया मेरा, कुछ खाता हूँ, बहुत थक गया हूँ। ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से, बहुत मिस करता हूँ इस जगह को मैं। बड़े दिनों बाद यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है देख के, मतलब कितनी खुशी हो रही है मुझे, क्या बताऊँ। ये सारे बोट्स देखो यार, एक टाइम हुआ करता था इन सब में मैं बैठ के रोइंग किया करता था। ये है रेड रेड, ये है रेड सनी, ये है रेड ब्लू सनी बोट। ये ऊपर में सबसे पुराने पुराने बोट है, देखो चाइनीज एम्पायर बोलते हैं इन सबको। फिर उधर में ये रेड वाइट, ये स्वास्तिक स्वास्तिक बोट। बस क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है मुझे, मन कर रहा है बोट में जाऊँ, पर क्या बताऊँ, अच्छा लग रहा बहुत दिनों बाद आ गए यहाँ पर। ये रही हमारी ड्रेसिंग रूम। यहाँ भी कितने सुबह आके मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी सो भी जाता था, फिर दोस्त लोग आते थे, फिर प्रैक्टिस में निकलते थे बोट में हम लोग। सब जगह की यादें क्या बताऊँ, बहुत सारी यादें। वो टॉयलेट एरिया, नहाने का जगह, और भी दूसरी कुछ चीज़ों की जगह। बस क्या दिन थे, यहीं बैठ के मैं सोया करता था सुबह सुबह आके, फिर प्रैक्टिस के बाद आके ट्यूशन व्यूशन करके फिर यहाँ सोया करता था, फिर जाके आफ्टरनून में बोट वोट निकालता था मैं और मेरे टीम मेट सारे। मतलब सब वो दिन अभी मेरे को फ्लैशबैक हो रहा सामने में, अच्छा लग रहा है। चलो अलविदा, आता तो रहूँगा पर व्लॉग यहाँ शायद बना पाऊँ मैं फिर से, पर अभी जितने दिन हूँ यहाँ आने का कोशिश करूँगा। इस ब्रिज को कहते हैं हैंगिंग ब्रिज। अरे चलिए आप लोगों को सामने को दिखाता हूँ। तो यहाँ बैठ के हमने कितने सारे लाइक रेसेस होते थे, तब टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ से, देखते तो मज़ा आ रहा था, लाइक काइंड ऑफ स्टेडियम बोल सकते थे हम लोग, यहाँ से सब चेयर करते थे। ये भी एक जगह है, ये ऊपर से दिखाता हूँ आप लोग को। ये रहा ब्रिज, और यहाँ से देखने में और खूबसूरत लगता है लेक। इस लेक में अराउंड 4 क्लब्स हैं, 4 रोइंग क्लब हैं। एक पीछे आप देख सकते हो, ये कलकत्ता रोइंग क्लब, सब वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लब इन वर्ल्ड बोल सकता हूँ। ये 1800 समथिंग में इस्टेब्लिश हुआ था जब ब्रिटिशर्स थे। और उसके बाद एक मेरा लेक क्लब है इस तरफ, दैट इज़ BRC बंगाल रोइंग क्लब, एंड उस तरफ के पार्ट में है कलकत्ता यूनिवर्सिटी रोइंग क्लब।
तीनों क्लब इसी एक लेक में ही इसी लेक को शेयर करते हैं रोइंग के लिए। एंड यस, बस यही कहना था। और सामने में एक मस्जिद भी है आइलैंड टाइप में, आइलैंड है। हाँ, कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं यहाँ पर, इफ यू कैन सी दिस, देख रहे हो कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे यहाँ। दिस इज लेक गार्डन स्टेशन, इसकी भी कई सारी यादें हैं। रोज़ सुबह यहाँ आता ना, रोज़ सुबह ट्रेन पकड़ के आता था यहाँ, फिर यहाँ से क्लब। काफ़ी दिन यहाँ पर मैं आया हूँ, काफ़ी दिन मतलब काफ़ी साल अपने लाइफ के इस स्टेशन के चक्कर काटे मैंने, सुबह सुबह, कभी शाम, कभी रात, बहुत सारी यादें इसमें भी। हमारा कभी कभी स्टेशन होता था लाइक ट्रेनिंग सेशन, ब्रिज रनिंग होता था इस ब्रिज का अप डाउन इतने चक्कर लगाते थे यार। ट्रेन का सिग्नल हो चुका है येलो, आई गेस आ ही रहा होगा। एंड आप लोग देख सकते हो लेक गार्डन स्टेशन से टॉलिगन स्टेशन कितने करीब है, बस हार्डली 500 मीटर का भी गैप नहीं होगा, उतने में दूसरा स्टेशन है। आज पता नहीं कितने सालों बाद मैं कोलकाता की लोकल ट्रेन में चढ़ने वाला हूँ। मतलब एक टाइम हुआ करता था ये लोकल ट्रेन ही मेरा डेली कम्यूट का ज़रिया था। सुबह अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन होती थी 5 बजे की, फर्स्ट ट्रेन वो पकड़ के आया करता था। फिर यहाँ से 9:50 समथिंग की ट्रेन होती थी, वो पकड़ के घर जाना, नहीं तो फिर वहीं से ट्यूशन निकलना। वो भी क्या दिन थे, स्ट्रगल बोलूँगा नहीं उसको क्योंकि वो मुझे करना अच्छा लगता था तो, पर एक तरफ से बहुत थका भी देती थी, पर क्या बोलूँ करता था। एज यू कैन हियर ट्रेन आ चुका है, मैं जाता हूँ उस तरफ, पड़ेगी फर्स्ट कंपार्टमेंट, वहाँ से बोर्ड करता हूँ मैं। चलिए ब्रिज स्टेशन, मेरा डेस्टिनेशन में उतर गया। और ये भीड़ देख रहे हो, कहीं से दौड़ते हुए गया था। दिस प्लेस इज नोन एज झिंझिरिया बाजार। ये रोड, इस तरफ की रोड चली जाती है मडियापुर, संतोषपुर, रामनगर साइड, और इस तरफ चला जाता पाटा डाकघर जो कि मेरे घर के साइड पड़ता है। पर मेरा घर यहाँ से ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर होगा। लुक एट द कंडीशन ऑफ द रोड मैन, इसको आप रोड रनिंग तो कंसिडर करना ही नहीं, दिस इज आज ए रोड है, गड्ढे एंड ऑल। सी आई हैव एन ऑप्शन ऑफ टेकिंग दिस ऑटो ओवर हियर, बट आप लोग को रोड की कंडीशन दिखाना है मुझे पूरा, जैसा मैं रोड में आया हूँ तो चल लूँगा। तो रोड की हालत जहाँ देखो, स्लश, गड्ढे, पॉटहोल्स तो बोलूँगे नहीं यार, मतलब गड्ढे में रास्ता बना दिया वैसा लगता मुझे, देखो। और कहीं से भी गाड़ियाँ घुस जाती है। यही एक रीज़न था जिसके वजह से मुझे व्लॉग करने में याद नहीं आया, मैं रोड देखूँ कि गाड़ियाँ देखूँ कि क्या करूँ। अभी तो ट्रेलर स्टार्ट हुआ है, देखते रहिए आप लोग को और भी मज़े आएंगे रोड के। एंड लेट मी शो यू, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कोका कोला फैक्ट्री इन इंडिया जो कि यहाँ पर सिचुएटेड है। बहुत बड़ी एरिया कवर करके ये कोका कोला फैक्ट्री, आई थिंक तो सब मुझे पागल ही समझ रहे होंगे। फुल जैकेट पहना हूँ मैं, फुल पैंट पहना हूँ, ऊपर से मास्क जो कि पूरा नाक ढक के पहना हूँ मैं। एवरीबडी इज थिंकिंग दैट कौन पागल आ गया यार, मास्क कौन नाक ढक के पहनता, ऊपर से जैकेट वो भी इतने धूप में। पर इफ़ यू नो देन यू नो। ये एक ब्रिज बन के इस एरिया का थोड़ा कल्याण हुआ है, नहीं तो इस नीचे में जो जैम लगता था यार, नानी दादी सबका याद आ जाता था। हालत देखो उस तरफ की, स्विमिंग कर लो यहाँ पर आके दोस्तों, उस साइड पानी भरने के वजह से देख रहे हो पानी, मतलब उधर रोड समझ भी नहीं आएगा आपको, कहाँ गड्ढा है, कहाँ पानी, कहाँ मतलब रोड तो है ही नहीं उधर, तो सारी गाड़ियाँ इस तरफ से जाती है, उस तरफ की गाड़ियाँ भी। तो आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि क्यों मैंने घर से व्लॉग नहीं बना पाया रनिंग करते वक्त। लुक एट द कंडीशन ब्रो, सी यहाँ पर आदमी दौड़ेगा तो। फाइनली अराइव सरकार पुल एट माई प्लेस। अब ये जगह क्रॉस करना विल बी वन ऑफ अ टास्क फॉर मी विद दिस शू।
कंडीशन देखो यार यहाँ के रोड की, चलना पसंद ना करूँ, दौड़ रहा था मैं सुबह। सोचो आज यहाँ वैक्सीनेशन मिल रहा है, वैक्सीनेशन का लाइन देखो, इंसान लोग ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं ना कुछ, पर वैक्सीन तो लेना ज़रूरी भी है। द लाइन लग रहा है यार, एक इंच का डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रहा है, एक इंच का डिस्टेंस। आ गया मैं अपने घर, जाता हूँ फ्रेश होता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर वीडियो शूट करता हूँ कुछ अगर मौका मिला तो मुझे। तो व्हाट्स अप गाइस, व्लॉग एंड करने का समय आ चुका है। बस वो सुबह का सेशन के बाद मैं घर आया, खाया पिया, एंड आई वॉज वेरी टायर्ड तो मैं सो गया, एंड उठा फिर फुटबॉल खेलने का जाने का सोचा, बट आज गेम हुआ नहीं। वैसे जाता तो ज़रूर पर लेकिन गेम आज हुआ नहीं। और बस अभी छत में आया हूँ, थोड़ा हवा आ रहा हूँ, अच्छा लग रहा ऊपर आके, पीछे क्लाउड्स देखो, मतलब मस्त लग रहा है। तो ठीक है, व्लॉग को एंड करता हूँ मैं यहीं पर ही। सो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो देखने में, एंड सॉरी एंड में थोड़ा कंप्लेन करने लग गया, पर क्या करूँ, मुझे करना था नहीं, पर लेकिन फिर भी मेरे वो इमोशंस एक्सप्लोड होके बाहर आ रहे थे, विच आई कुडंट कंट्रोल, सो सॉरी फॉर दैट, उसके लिए माफ़ कर देना मुझे। अदर देन दैट आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, इफ़ अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो आप। तो इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए, ऐसी और अनोखी वीडियो के साथ आपके सामने आता रहूँगा मैं, आप लोगों का मनोरंजन करने का कोशिश करूँगा। सो विद दैट नोट, बाय बाय, टेक केयर, लिव योर लाइफ, एंजॉय योर लाइफ, मज़े करते रहो यार, एक ही तो ज़िंदगी है। चलिए बाय बाय।